हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का है माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जी हाँ गाइस, तो लास्ट वाले एपिसोड में हमने हमारे लिए एक सर्वाइवल हाउस बनाया था, जो कि आप मेरे चैनल पे वीडियो है ही देख सकते हो। लेकिन आज हम लोग दोबारा से बनाने वाले हैं एक हमारे यहाँ विलेजर के लिए हाउस। तो विलेजर के लिए हाउस बनाना है हमें, बेसिकली हमें ट्रेडिंग हॉल बनाना है। तो उसका ब्लूप्रिंट कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो इतने में हम शायद बना पाएंगे, लेकिन देखते हैं। मुझे लगता है छोटा है, लेकिन देखते हैं, छोटा लगे तो लगेगा तो हम फिर से बनाएंगे। कुछ इस प्रकार से हमें 6 पिलर बनाने हैं और 5 की हाइडी रखनी है। तो फटाफट से मैं इसको बना लेता हूँ और बाद में देखते हैं। और सभी पिलर को आपस में जोड़ देना है ताकि प्रॉपर हमारा विलेज ट्रेडिंग हॉल लगे। तो 5 6 के 6 पिलर को जोड़ देंगे और बीच में से हमारा एक गेट बनेगा। तो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। ओके गाइस, तो कंप्लीट हो चुका है, सभी के सभी पिलर को आपस में हमने जोड़ दिया है और बीच में जो सेंटर होगा वो हमारा हाउस हाउस तो नहीं, ट्रेडिंग हॉल का एंट्री गेट होने वाला है। तो इसको भी डबल पिलर बना देते हैं। और इसी तरह से सभी पिलर को एक एक ब्लॉक बाहर की तरफ को खींचना है। तो जहाँ पर भी पिलर है वहाँ पर हम एक एक ब्लॉक को बाहर की तरफ खींच देंगे। वैसे गैस, हमने जो सर्वाइवल हाउस बना है उसमें एक दिक्कत आ गई है। दिक्कत तो ये आई है कि हमने गलत डायरेक्शन की तरफ कहा कि एंट्री रख दी है, तो हमें दूसरा कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हम हमारे लिए एक कासल बनाए जो बहुत ही बड़ा हो और इसी वर्ल्ड का वो राजा हो, जो राजा उस कासल में रहता हो। यानी कि मैं इस कासल में रहूँगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे ये कासल बनाना चाहिए या नहीं। लेकिन हम यहाँ से अब स्टोन ब्रिक्स लगाएंगे कुछ इस तरह, और बीच पे 2 ब्लॉक खाली रखेंगे और उसके अंदर हम ग्लास रखेंगे, और ऊपर के तरह ऊपर के एक स्टेयर लगाएंगे स्टोन ब्रिक की। ओके गैस, तो हमने पिलर को तोड़कर दूसरी बार बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ट्रेडिंग हॉल थोड़ा छोटा हो रहा था। तो हमें बहुत सारे विलेजर को रखना है, तो हमको बहुत बड़ा ट्रेडिंग हॉल बनाना है। बेसिकली ये 3 फ्लोर होने वाले हैं इसके अंदर, तो हमने बड़ा बना लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, तोड़ना पड़ा एक बार तो हमें। और मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ चुका है, काम चोर। वो आप सामने देख रहे हो, काम कर रहा है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। और कर तो कैसे रहा है, उल्टा कर रहा है। ओए उल्टा मत कर भाई, 2 ब्लॉक कुछ इस तरह से लगाने हैं। पता नहीं भाई क्या कर रहा है। घर में काम कर रहा हूँ लेकिन ये पता नहीं ये कौन है, मुझे इसका नाम याद नहीं। बार बार बीच में आ रहा है और इसका चेला देखो भाई। दोनों को यहाँ पर ठिकाना लगाना है भाई, दोनों को ठिकाने लगा दिया है भाई। काम कर रहा हूँ तो बीच में आकर खड़ा हो जा रहा है भाई, काम करने दे भाई। घर बसा नहीं कि भिखारी पहले आ जाते हैं।
ओके, तो अभी साइड का काम तो हो चुका है, अब बारी है ग्राउंड फ्लोर के फ्लोर बनाने की। तो फ्लोर बनाने के लिए पहले तो हम ये सारी की सारी डर्ट को हटा देते हैं और नीचे हम लगाएंगे स्टोन ब्रिक्स और स्टोन। ले भाई, तेरे पास सविल भी नहीं है भाई, वो भी मैं तुझे बना कर दूँ भाई। स्टोन की सविल बना ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। दो सविल बना लेते हैं। ले भाई, भिखारी को दे दो, ये पकड़ दोनों की दोनों सविल और काम पे लग जा भाई, चल। ओके, तो हम डर्ट सारी की सारी हटा देते हैं और यहाँ पर स्टोन और स्टोन ब्रिक लगा देते हैं। स्टोन और स्टोन ब्रिक्स लगाने क्या सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो सही रहेगा, तो स्टोन और स्टोन ब्रिक ही लगाएंगे। ओके, तो हमारा फ्लोर बन गया है। फ्लोर कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्या, मेरे आगे। तो मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है। अब हम बनाएंगे हमारा एंट्री गेट, जो कि ट्रेडिंग हॉल के अंदर हम एंटर करने वाले हैं, तो कि बढ़िया ही बनाएंगे। ओके, तो एंट्री गेट बनाने के लिए हमें कुछ अलग प्रकार की लकड़ियाँ चाहिए होगी, तो हमारे पास तो हो है नहीं, तो हमको ढूंढने जाना पड़ेगा। यहाँ हमारे इस वर्ल्ड में, माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में, सभी अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ होती है, तो उसको लेने जाना पड़ेगा। तो स्प्रूस बायोम हमें ढूंढनी पड़ेगी, तो वो तो हमें आगे जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम सभी प्रकार की लकड़ियाँ लेकर आते हैं और उससे हम अपना ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे। ओके गाइस, तो हमारा एंट्री गेट तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बाहर मॉब्स आ गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, पिंक वाली बायोम थी, वहाँ से भी हमने लकड़ी की वो ले ली है भाई। उधर बहुत सारे पेड़ थे, तो हमने हमारे घर के लिए भी लगा दिए हैं पेड़, हमारे घर के सामने बिल्कुल। तो ओके, तो हमने स्टेयर्स लगा लिए है और ट्रैप डोर भी लगा दिए है। ट्रेडिंग हॉल के हमारा बाहर का काम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर की रूफ बनानी है वो, और अंदर के अंदर फ्लोर 3 बनाने हैं। तो सब कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा ट्रेडिंग हॉल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट काम करते हैं और बातें कम करते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमें दो ब्लॉक की और डिज़ाइन करनी है कुछ इस तरह से भाई, बहुत ही अच्छी लग रही है डिज़ाइन। बेसिकली हमको वॉल, दो ब्लॉक की वॉल लगानी है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखना है और 3 स्लैब बनाने हैं कुछ इस तरह से। तो भाई अच्छी डिज़ाइन लग रही है, हम चारों के चारों तरफ बनानी है, तो फटाफट से कर लेते हैं ये। जो दो ब्लॉक की हमने डिज़ाइन बनाई थी वो चारों तरफ नहीं करनी थी, सिर्फ दो ही तरफ करनी थी, और दो तरफ का हमारे रूफ आएगी। तो हमने दोबारा से ठीक कर दिया है सब कुछ, तो अब रूफ बनाने की बारी है। तो रूफ तो सिंपल होने वाली है, उसमें कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। स्लैब से बनाने वाले हैं और स्लैब और स्टेयर से बनाने वाले हैं। तो आउटलाइन जो होगी वो स्टोन ब्रिक्स की बनाएंगे, और अंदर का जो फिल करना होगा वो वुड का बनाएंगे। आप देख ही पाओगे, तो
फटाफट से रूफ भी बना लेते हैं और अंदर के फ्लोर भी बनाने हैं। ओके गाइस, रूफ भी बन चुके हैं और अंदर के फ्लोर भी बन चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर एक ब्लॉक जो बीच में है, वहाँ पर विलेजर आएंगे। और ये हमारा फर्स्ट फ्लोर था, ये सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर भी कुछ इसी तरह से होने वाला है। और ये हमारा थर्ड फ्लोर रहने वाला है, जहाँ पर भी विलेजर ही हो गए। बेसिकली ये तीनों फ्लोर पर अलग अलग विलेजर रहेंगे। तो विलेजर पता नहीं हम कहाँ से लाएंगे, विलेजर जो कि हमारे पास ही है तो वहाँ से लाएंगे, लेकिन अंदर लाना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ट्रेडिंग हॉल के अंदर कुछ छोटी मोटी चीज़ें अभी भी बाकी है, चेस्ट वगैरह लगाना है और विलेजर को जॉब देने के लिए टूल्स भी लगाने हैं, तो वो भी सब कुछ अभी बाकी है, तो वो भी कर लेते हैं। ओके गाइस, तो हमने चेस्ट तो लगा ली, लेकिन रात भी हो चुकी है और हमने लाइट तो लगी नहीं। ओ भाई साहब, वीर क्रीपर आ गया भाई, अंदर के उसे स्पॉन हो गया भाई, वो सब कुछ तोड़ देगा, मैं नीचे नहीं जाने वाला। लेकिन निकल सकते हो तो निकल जाना चाहिए, मैं मेरे पास तो बेड ही नहीं, मैं सोऊंगा कैसे और बाहर कैसे जाऊँगा भाई। सोचने वाले भाई, दो दो क्रीपर के जो तो एक ही था। ले भाई, अब नीचे नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, यहाँ से तोड़कर हमें जाना पड़ेगा और हमारे घर के अंदर जाकर सो जाते हैं भाई। क्रीपर का कुछ करना पड़ेगा भाई, वो ट्रेडिंग हॉल के अंदर आ गए और अंदर आया ब्लास्ट होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ये सर्वर हाउस बना है, लेकिन हमने सोचा नहीं है ज़्यादा इस हाउस के अंदर, पर अंदर कभी भी क्रीपर आ जाते, एक बार तो आ चुका था, और मॉब्स भी आ जाते हैं, मकड़ी वगैरह, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। सर्वाइवल हाउस हमें को सोच कर बनाना चाहिए था भाई। ये पेड़ लगाए हैं, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। और क्रीपर का क्या करूं मैं भाई, स्केलेटन जल रहा है लेकिन मारना नहीं छोड़ रहा मुझको। तो क्रीपर तो देख कर जाना पड़ेगा, क्रीपर है तो नहीं। अरे कहाँ गया क्रीपर भाई, दोनों क्रीपर कहाँ गए? ले भाई चले गए, बढ़िया। तो ओके गाइस, तो हमारा विलेजर ट्रेडिंग हॉल ऐसा है, लेकिन पहले यहाँ पर तोड़े हुआ लगा देते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारा ट्रेडिंग हॉल बन चुका है कंप्लीट। इसके अंदर लाइटें वगैरह लगाना है, लेकिन वो भी बाद में लगाएंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में। और विलेजर को भी हमें लाना है, वो भी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में ही रखेंगे। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही।